मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का अक्षय तृतीया पर आप कौन सी साधना करके अपनी जिंदगी को सुखद और शांति में बना सकते हैं इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्षय तृतीया सुख सौभाग्य ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ साथ देवताओं की पूजा यानी देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष कुबेर की भी पूजा की जाती है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से देवादि देव शिव ने श्री कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाए, उन्हें वो खजाना सौंप दिया जो कभी खत्म नहीं होता है। साथ ही आज के दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था जिसमें एक दाना चावल का था लेकिन 100 संतों की भी भूख मिटा सकता था। आज के दिन देवी अन्नपूर्णा ने अवतार लिया था इसीलिए अन्न के भंडार सदैव भरे रहते हैं। हम सबको एक आशीर्वाद प्राप्त किया गया है, दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूजा पाठ के द्वारा, कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम निश्चित रूप से गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, गरीबी में पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीबी के साथ साथ मर गए, ज़िंदगी पूरी ऐसे ही बिता दी तो हमारी खुद की गलती होगी। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ प्रारब्ध संचित कर्म पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमारा ये जन्म तय होता है, लेकिन इसी के साथ एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ भी भगवान दे देता है जो कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करके बेहतर जॉब को प्राप्त कर लेता है, बिजनेस स्टडीज़ करके आप बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, एक बच्ची को माता पिता बहुत संस्कार देते हैं और जब वो ससुराल जाती है तो उसको ससुराल को घर घर को मंदिर बना देती है। एक जब पौधा लगता है उसमें बहुत सारी टहनियाँ लगती है तो माली उसे सांचे में ढालकर एक बेहतर रूप दे देता है पेड़ का। जैसे हम अगर अपने बालों को न कटाएं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएंगे और लड़के और लड़की में भेद करना बालों को देकर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बालों को कटवाकर एक सांचे में ढाल देते हैं, हम अपने वस्त्रों को पहनते हैं। उसी प्रकार हम अगर अपनी ज़िंदगी को साधनाओं के पथ पर ले जाकर निश्चित रूप से हम एक बेहतर खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हमारा खुद का मकान हो सकता है, हम अपनी गाड़ी ले सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप सबको इस साधना को जरूर करना चाहिए। आज के दिन प्यास बुझाने के लिए गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया था जो आज भी कल कल करके बह रही है। आज के दिन श्री कृष्ण ने सुदामा को भौतिक संपदा को उपहार दिया था जिससे उनका भाग्य उदय हो गया था। आज के दिन ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है और सूर्य जो कि आत्मविश्वास के लॉर्ड है दोनों उच्च राशि के होते हैं, तो आज हम अपने मन और आत्मा का ऐसा मेल बिठाएंगे कि इससे हमें देवी देवता आशीर्वाद प्रदान करेंगे एक सुखद जिंदगी जीने का। अक्षय तृतीया देवताओं की प्रिय तिथि होने से सौभाग्य और संपदा प्रदान करने वाला दिन है, इसीलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अब ना करें देर। आप दीपावली का भी इंतजार अब ना करें और संपन्न करें अक्षय सौभाग्य साधना। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि अगर आपने सच्चे मन से परिवार सहित इस साधना को किया तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का भाव नहीं रहेगा। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप भोजन पकाते हैं तो भोजन के लिए आपको बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही जब आप कोई साधना करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जो कुछ हमारे घर में प्राप्त है उसे प्राप्त करें, जो नहीं है उसे भी आप प्राप्त करें। चांदी निर्मित लक्ष्मी चरण पादुका यानी लक्ष्मी के चरण हर घर में होने चाहिए। भोजपत्र यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, तो आज आपने सुन लिया है, अब आपको इसको प्राप्त करना है। जो हर शहर के अंदर एक ओल्ड टाउन टाइप का जगह होती है वहाँ पर पुराने पंसारी की दुकान होती है, वहाँ भोजपत्र आपको मिल जाएगा। एक पत्ते की तरह होता है जिस पर बहुत सारे यंत्र बनाए जाते हैं और सिद्ध किया जाता है। महालक्ष्मी का कवच भी आपको प्राप्त करना है। अष्टगंध अनार की कलम यानी अनार का जो पौधा होता है उस पौधे की टहनी काट कर उसको छील के अनार की कलम बना ली जाती है, इसे आपको प्राप्त करना है। इसमें से अगर आपको कोई तकलीफ आती है साधना को प्राप्त करने में तो आप हमारे जोधपुर कार्यालय में प्राप्त कर फोन करके इस सामग्री को एडवांस में मंगा सकते हैं। सबसे पहले 7 मई को आप पूजा स्थल में बाजोट पर अपन खुद तो ज़मीन पर बैठते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी माताएं पुरुष हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है वो टेबल पर भी इसे कर सकती हैं। अपने से ऊपर स्थान देना चाहिए भगवान को, इसीलिए लकड़ी का पाटा बनाया जाता है, उस पर वस्त्र बिछा दीजिए लाल रंग का। उस पर गेहूं की 4 ढेरी बनाएं, अपने मुट्ठी में गेहूं लीजिए और 4 ढेरी आप बना दीजिए। यह मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आप चारों कोनों में एक एक ढेरी पर घी का दीपक प्रज्वलित कर बाजोट के मध्य भाग में
चांदी या स्टील की थाली रख दें। थाली पर लाल पुष्प का आसन बनाकर उस पर भोजपत्र और लक्ष्मी चरण पादुका को विराजमान कर दें। अब भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा विष्णु जी का सर्वाधिक प्रिय बीसा यंत्र का निर्माण करना है। आपने कहावत सुनी होगी मेरे मुंह से, मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूं कि जिसके घर में बीसा क्या करे जगदीसा, यानी बीसा यंत्र हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, उस घर का नुकसान नहीं हो सकता है। अब किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ है, संकट है, आर्थिक तकलीफ आ गई है, रुपया व्यापार में फंस गया है, नौकरी में पैसा नहीं आ पा रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है वो देना है, ऐसे किसी भी जगह पर अगर आपको धन या अन्न की कोई तकलीफ है, किसी प्रकार का संकट है, तो आप इस साधनों को करें। इसीलिए इस विशेष पर्व पर आप सुख सौभाग्य बीसा यंत्र का निर्माण करेंगे, जो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए 8, 9 और 3। अब इन तीनों को जोड़िए, 20 की टोटल आ गई। 8 के नीचे 2 लिखिए, 2 के पास में 7 और 7 के पास में 11 लिखिए, ये भी 20 की टोटल हो गई। अब आप नीचे देखेंगे 10, 4 और 6, इसका अर्थ हुआ कि ये भी 20 की टोटल हो गई। अब आप इसको किसी भी तरीके से अगर टोटल करते हैं तो यह आपकी 20 की टोटल आती है। जैसे आप 8, 2, 10 को भी अगर टोटल करते हैं तो 20 आती है, 9, 7, 4 को टोटल करते हैं तो भी आपकी 20 की टोटल आती है, 11, 3 और 6 की टोटल करते हैं तो भी ये 20 की टोटल आती है। इसे हम बीसा यंत्र कहते हैं, जो आपको भोजपत्र पर अष्टगंध के साथ अनार की कलम से बनाना है। यंत्र को बनाने के बाद भोजपत्र व लक्ष्मी चरण पादुका पर केसर कुमकुम का तिलक लगाकर मन में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोलते रहे जब भी कुछ कर रहे हैं, डेरी बना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इससे वातावरण बनेगा और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित उसके सामने करें और नैवेद्य का भोग लगाएं। कोशिश करें कि दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। फिर आप श्री हरि विष्णु जी से माँ लक्ष्मी के साथ अपने घर में विराजमान होने का, पधारने का निवेदन करें। आप देखिए कि लक्ष्मी के पति हैं नारायण, तो जब भी लक्ष्मी आपके घर में आएगी लेकिन वो नारायण के पास जरूर वापस चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपको विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना है, उन्हें घर पधारने का निवेदन के साथ साथ में इसके बाद आप थोड़े से अक्षत ले लें। अक्षत का मतलब होता है चावल, जो टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और साथ में लेने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक अक्षत आप भोजपत्र पर अर्पित करेंगे। ख्याल ये रखें कि अपने लेफ्ट हैंड में आप अक्षत रखें और राइट हैंड की 2-2 दाने उस पर छोड़ते जाएं, उस भोजपत्र पर छोड़ते जाएं। ऐसा आपको कम से कम 108 बार करना है, और ना हो सके तो 51 बार अवश्य करें, पर 108 बार होना अति आवश्यक है। इसके बाद ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्निये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए लक्ष्मी चरण पादुका पर एक एक मिश्री चढ़ाते रहें। मिश्री का अर्थ है कि आपने देखा होगा कि कभी हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो मखाने मिश्री ये मिल जाती, मीठा होता है, वो चढ़ाते रहें। इस प्रकार इसे भी आप 108 बार नहीं तो कम से कम 51 बार जाप करते हुए चढ़ाएं। अब दोनों ही मंत्र 51-51 की संख्या में हो जाएंगे तो लक्ष्मी चरण पादुका को घर के मंदिर में रख दें और भोजपत्र को कवच में डालकर, एक स्टील का या जो हमने एक महालक्ष्मी कवच भी दिया है इस पैकेट के साथ, उसमें आप डाल दें और साथ में 2 दाने चावल के बीच में डाल दें। और अपने वो 2 दाने जब आप चावल के डाल देंगे तो आपको यह तैयार हो जाएगा, इसे आप अपने पति, पुत्र, परिवार का कोई भी इम्पॉर्टेंट सदस्य जो लक्ष्मी का प्राप्त, लक्ष्मी के लिए प्रयास करते हैं, उनके गले में आपको धारण करवाना है। सबके लिए बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपन्नता सदैव के लिए बनी रहे। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बिना कारण कोई तकलीफ होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा में संचारित हो जाए। मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण श्रद्धा और अटूट आप पर विश्वास है कि आप श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ये पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद, उनका आगमन करने के बाद आप उन्हें प्राप्त करेंगे और आपकी जिंदगी बेहतर बनी जाएगी, बेहतर बन जाएगी। अब आप भी
लक्ष्मीवान होंगे यही विश्वास आपको रखना चाहिए। उसके बाद बची हुई सामग्री गेहूं मिश्रित जो अक्षत है वो पक्षियों को डाल देना चाहिए और बाकी दीपक और वो लाल कपड़ा और बाजोट आपको पुनः अगली साधना के लिए काम में ले लेना चाहिए। आप ये विश्वास करिए कि हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी अनेकों साधनाएं दी गई है जिन साधनाओं के पथ पर चलकर आप निश्चित रूप से धनवान बन सकते हैं और धन से कहते हैं कि बहुत सारे काम हो जाते हैं और ये सत्य भी है। और लक्ष्मीवान बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये हर इंसान को करना चाहिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि और लोगों को इस साधना का लाभ मिल सके। तो 7 मई को आप इस साधना को पूर्ण करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारी ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका के सदस्य बनकर बहुत ज्योतिष और आध्यात्म का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को पुनः एक बार शुभकामना देता हूं और आप सभी से आज्ञा चाहता हूं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्या शब्द अगर बना है तो समाधान शब्द भी बना है। समस्या हो सकता आपके पास है लेकिन समाधान मेरे पास जरूर है। कई बार हम जॉब, बिजनेस, पारिवारिक जिंदगी, मैरिज या हो या मैरिटल लाइफ हो या किसी प्रकार का कोई कंसर्न हो, उसके लिए हमें एक सलाह की जरूरत होती है और निश्चित रूप से ज्योतिष और आध्यात्म में आपकी समस्याओं का समाधान छुपा है। मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। तो अप्रैल महीने में मेरा जो स्केड्यूल है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसे आप नोट करें और आप अगर इसके आसपास रहते हैं और इन शहरों में रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।